रंग उमंग और तरंग का सम्मेलन यानी होली। बुराई पे अच्छाई की जीत निश्चित है, ये संदेश देता पर्व है होली। ये एक ऐसा पवित्र त्योहार है जो हमारे काना को भी बड़ा भाता था। इसी खुशियों के पर्व होली की मेरी और BCN न्यूज की संपूर्ण टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ BCN न्यूज के होली स्पेशल कार्यक्रम जुगलबंदी में। होली हो और जुगलबंदी ना हो, ऐसा शायद ही हो सकता है। जितनी अधूरी होली रंगों के बिना है, उतनी ही जुगलबंदी के बिना भी। और आज होली के इस त्योहार को अपनी शब्दों की मिठास से और भी मजेदार बनाने के लिए हमारे बीच मौजूद है तेजेंद्र सिंह, जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन लिटरेचर में एक गहरी दिलचस्पी रखते हैं। नमस्कार तेजेंद्र सिंह। नमस्कार दिशा। और वही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निरंकुश खोबलकर, जो निर इस नाम से लिखना पसंद करते हैं और पेशे से वे एक प्रोफेसर है। नमस्कार। नमस्कार तेजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप करते क्या है, क्या क्या लिटरेचर के साथ करना पसंद करते हैं। शुक्रिया दिशा और पूरी टीम का शुक्रिया मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। होली के इस रंगारंग त्यौहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो आपने जैसे कहा, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ लेकिन लिटरेचर में गहरी दिलचस्पी रखता हूँ। ये आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देगा एक तरीके का, क्योंकि जहाँ लिटरेचर होते हैं वहाँ नंबर्स नहीं होते, जहाँ नंबर होते हैं वहाँ लिटरेचर नहीं होते हैं। लेकिन मेरी दखल लिटरेचर में भी है, मेरी दखल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में भी है। मैं यूथ कनेक्ट करता हूँ, मैं एनवायरमेंट के लिए बहुत काम करता हूँ, मैं बर्ड वॉचर हूँ, मैं साइक्लिस्ट हूँ, मैं रनर हूँ, मैं 100 मैराथन दौड़ चुका हूँ अभी तक। और उसके अलावा ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ जहाँ पर अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिलता है तो मैं तैयार रहता हूँ हमेशा, और कोशिश करता हूँ कि नई नई किस्म की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखूँ, नया सीखूँ, नया सिखाऊँ और भाईचारे और प्यार का संदेश जहाँ तक हो सके लोगों को देते रहूँ। तो यही मेरा जीवन है। बहुत कुछ जाना हमने आपके बारे में। निरंकुश जी, अब मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप क्या करना पसंद करते हैं और किस चीज़ में रुचि रखते हैं। धन्यवाद दिशा और पूरी टीम को, आपने मुझे यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया, शुक्रिया। मैं वैसे नागपुर के LED महिला महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र और जैव तंत्र ज्ञान का प्राध्यापक रह चुका हूँ। 45 साल मैंने वहाँ करीब पढ़ाया, और लिटरेचर खास करके हिंदी में लिखना मेरी रुचि रही है, और मैं कई सालों से लिखते आ रहा हूँ और कई सारे मैगजीन्स में मेरी कविताएं मैं पब्लिश करते रहता हूँ। अभी एक नई किताब मेरी आने वाली है जो दिल्ली से पब्लिश होने वाली है, हिंदी कविताओं की। और बाकी मैं एक नेचुरलिस्ट भी हूँ, बॉटनी वाला टीचर होने की वजह से, और एडवेंचर एक्टिविटीज़ मुझे पसंद है। लेह लद्दाख की ट्रिप में खुद ड्राइव करके 5000 किलोमीटर चला के आया हूँ, और काफ़ी सारा भारत में घूमते रहता हूँ। पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में, नेचर के बारे में मेरी बहुत खास रुचि है, और सर ने जैसा कहा उसी तरह से मेरा भी एक शौक रहा है, और शौक इतना ज़्यादा हो गया कि अभी बड़ी अच्छी उसमें दिलचस्पी निर्माण हुई है, और शायद इसी कारण से आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है। धन्यवाद। धन्यवाद निरंकुश जी। तेजिंदर जी, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं चाहती हूँ कि हमारी इस जुगलबंदी की शुरुआत जल्दी हो जाए। तो तेजिंदर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि क्या पेश करेंगे आज आप? दिशा, मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन मैं जो पोएटिक एटमॉस्फेयर है वो बनाने में काफ़ी सक्षम हूँ, तो मैं बहुत अच्छा माहौल बना दूंगा आपके साथ में, बहुत कुछ पेश करूंगा, और हंसी और खुशी का रंगारंग हमारा ये कार्यक्रम होने वाला है आज। ये तो मुझे मालूम है, निरंकुश जी भी हैं, मैं भी हैं, आप भी हैं, तो जब 3 यार मिल बैठते हैं तो माहौल तो रंगीला और खुश मिजाज हो ही जाता है। उसके अलावा तो निरंकुश जी अपनी कविताओं की बौछार करेंगे और मैं यहाँ से उसके जवाब में कुछ ना कुछ बताते चले जाऊँगा, संभालूंगा, उनकी बौछारों को भी झेलूंगा और वापस जवाब देने की भी क्षमता में रखता हूँ। तो जी, तो हम शुरुआत करेंगे। तो मैं इस बात से शुरुआत करूँगा कि ये हम हैं तेजिंदर सिंह रावल, और ये टीम है हमारी, और यहाँ पर ये होली की पौड़ी हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। निरंकुश जी, आप शुरुआत करें। राइट, जैसा सर ने कहा कि आज हम होली के माहौल को और रंगारंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पेश करेंगे, तो मैं एक शेर पेश करता हूँ ज़रूर इस माहौल को
आपको जाहिर करने के लिए, तो पेश है, आओ आज होली के पावन पर्व पर लगाते हैं गुलाल और टेसू के फूलों का रंग। आओ आज होली के इस पावन पर्व पर लगाते हैं गुलाल और टेसू के फूलों का रंग। नहीं लगाते ग्रीस, ना ही वंगन या इनामेल, बचाते हैं इस पर्यावरण को और खुद को भी होने से बदरंग। बहुत गहरी बात, बहुत ज्यादा गहरी बात कही है इन्होंने। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि आजकल तो खैर वैसे कम हो गया है, पर ये बहुत बुरी बात हुआ करती थी कि इतना गंदा तरह से, गंदी तरीके से रंग लगाए जाते थे, पर ये टेसू के फूलों का हमारा यानी पुराना ऐतिहासिक उसको महत्व है, तो आज भी उस मौसम में उनको लगाया, उसका रंग बना के लगाना बड़ा नेचुरल है, तो नेचर के साथ साथ चलता है। आप क्या कहेंगे? मैं शुरुआती संदेश अपना एक दोहे के माध्यम से देना चाहूँगा कि खुशियों का त्यौहार है, खुलकर खेलो फाग। ये फाग का महीना है, होली फाग के महीने में आती है, तो खुशियों का त्यौहार है, खुलकर खेलो फाग, बैर दुश्मनी द्वेष का दिल से कर दो त्याग। तो एक मौका है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो साधु संत नहीं कर पाए, जो सामाजिक सुधार करने वाले लोग नहीं कर पाए, वो ये त्यौहार कर देता है, सबको दिल को मिला देता है, दूरियां मिटा देता है, लोगों को करीब ले आता है। जाति धर्म जात का भेदभाव भूलकर, ऊंचे नीचे का भेदभाव भूलकर लोग सड़क पर एक लेवल पर आ जाते हैं, और उसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बच्चा नहीं, संबंध रिश्ते नाते भी किनारे में हो जाते हैं। और जब हम होली खेलते हैं तो हम एक, जैसे हम कहते हैं, ऑन द लेवल एज इक्वल विथ ईच अदर, हम ऐसी होली खेलते हैं। तो ऐसी ही होनी चाहिए कि ना कोई द्वेष है, ना कोई भेदभाव है, ना कोई दुश्मनी है, ना धर्म, ना जात, ना बड़ा ना छोटा, ना मैं करोड़पति और ना तुम जमीन पर, हम सब एक साथ तारे जमीन पर, जैसा आपने कहा। तो आपको, आपकी इसी बात को लेकर मैं एक और आपके सामने शेर पेश करता हूँ। होली के त्योहार को मनाते हैं हम मिलजुल कर, और इस मौके को बनाते हैं रंगारंग। होली के इस त्यौहार को मनाते हैं हम मिलकर, और इस मौके को बनाते हैं रंगारंग। रंग बिरंगे कपड़े बन जाते हैं जब लगने लगते हैं अनेकों रंग। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं आपको लिए चलता हूँ आज के माहौल में, कि जो हम कोरोना के काल में बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी विपदा हमारे सामने है और हम उसको जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, फिर भी हंस रहे हैं। सो होली हमें मौका देती है कि हमको याद रखना है कि हमें हंसते रहना है हर हाल में, और दिस टू शैल पास, जैसे कहते हैं, ये भी निकल जाएगा। और होली यही संदेश है कि, और आपने जो ये आयोजन किया है स्टूडियो में, एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि शायद हम उस तरीके से होली इस साल नहीं खेल पाएंगे जिस तरीके से हम हमेशा से खेलते आए हैं, लेकिन एक अपवाद है, बढ़ेगा आगे, अगले साल फिर होली खेली जाएगी। तो इस साल की जो होली है ना, तो जब हम कह रहे थे होली होली, तो क्या होली भाई, कोरोना होली, होली गई, कोरोना है इस बार, तो कोरोना से बचिए, होली लेकिन निकल जाएगी और होली दोबारा वापस आएगी। तो ये जो माहौल है, इसको हम अपनों के साथ जब मिलकर मनाते हैं तो कैसे माहौल बन जाता है और कैसे बनना चाहिए, इसके लिए मैं दो लाइन पेश करना चाहूँगा आपके सामने। जरूर। चलो, और भी रंगीन हो जाता है समा, और भी रंगीन हो जाता है समा, जब घर वाले भी हो अपने संग, जब घर वाले भी हो अपने संग। अरे कहत, ये तो माहौल बन जाता है कितना सुंदर, और दृश्य लगता है विहंगम और मनोहारी, साथ अगर मिल जाए पापा मम्मी मुन्ना प्यारी बहना दुलारी। सब लोग बहुत खूब, निरंकुश जी, बहुत ही अच्छा। और दरअसल होली का त्यौहार ही ऐसा होता है कि जो सबको करीब ले आता है। हाँ। और आजकल की जो सिचुएशन है, हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और दूर दूर रहते हैं और अपने अपने मोबाइल फोन से चिपके हुए रहते हैं। होली आप मोबाइल फोन के साथ तो नहीं खेल सकते, मोबाइल को तो आपको साइड, क्योंकि आपका 1,00,000 रुपए का एप्पल फोन खराब हो जाएगा, आपको मालूम है, इसलिए आप उसे दूर रखेंगे और उसके बाद होली खेलेंगे। तो होली का जो गुलाल और अबीर और रंग है, वो आपको इतने करीब ले आता है जो शायद अपनों से भी आप इतने करीब होने का मौका आपको कभी पहले नहीं मिला होता। और ब्रज की होली, श्याम की होली, जब
कृष्ण जी होली खेलते थे तो राधा भी उनके रंग में रंग जाती थी, और मीरा की होली के बारे में भी कहा जाता है कि मीरा भी श्याम रंग हो जाती थी, और ब्रज की गोपालनाएं जो ब्रज की जो गोपालियां होती थी वो भी सब उस रंग में रंग जाती थी। तो जैसा आपने कहा, परिवार, उसके अलावा घर, मोहल्ला, हर कोई, जाना अनजाना, अजनबी भी आपके साथ जुड़ जाता था और आपके साथ होली खेल लेता था। वही चाहिए हमें होली में, हमें यही संदेश है होली का कि अपने पराये का भेदभाव भूल कर, जात धर्म का भेदभाव भूल कर, आओ मिलकर उड़ाएं गुलाल, मिलकर उड़ाएं अबीर, और मिलकर हम एकजुटता का संदेश दें, एक हो जाएं और खुशी की लहर फैलाएं। यही होली का संदेश है हमारे लिए। आतिजिंदर जी और निरंकुश जी, आपने जो कहा कि होली परिवार, मतलब परिवार के साथ खेलनी चाहिए, इन सारी चीजों से ना एक छोटी सी कुछ चंद लाइनें जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि रूठा है कोई तो उसे मनाओ, आज सारी खताएं भूल जाओ। रूठा है कोई तो उसे मनाओ, आज सारी खताएं भूल जाओ। लगाओ दोस्ती का रंग सबको यारो, होली मनाओ तो कुछ ऐसी मनाओ। मतलब मैं लिखना इतना लिखती वगैरह नहीं हूँ, पर हाँ कभी कभी जो देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, बस उसी से ये थोड़ा सा मैंने पेश किया। बहुत खूब, बहुत खूब कहा, बहुत खूब, बहुत खूब है। और ये तो मौका होता है रूठने का, मनाने का, रूठे को मनाने का। आप रूठना चाहे तो भी रूठ सकते हैं होली के दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि होली के दिन आपको मना लिया जाएगा, मना लिया जाएगा। और होली में आपको आपको ताकत चाहिए तो आपको सहारा है भांग का, रंग का, माहौल का। तो चलो, आपने भांग की बात की तो उस पर एक शेर पेश करता हूँ आपके सामने। होली और भांग, अरे ठंडाई ना हो तो मतलब होली तो अधूरी है, अधूरी रह जाती है। तो चलो इस पर एक सुनिए। चलो और भी रंगीन बनाते हैं, चलो और भी रंगीन बनाते हैं इन पलों को, पीकर थोड़ी ठंडाई, पीकर थोड़ी ठंडाई, और क्या कहने, और भी गहरा होगा रंग होली का जब साथ हो भैया और भौजाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी खास करके एमपी छत्तीसगढ़ साइड में तो मतलब इस बात के लिए बहुत मशहूर है ये, और होली बहुत ज़बरदस्त मनाई जाती है। हमारी कुछ प्रसिद्ध है वहाँ की वो, हाँ। पांडुना और उस साइड की, तो थोड़ा सा नॉटीनेस भी इसमें आ जाता है, पर देन फिर भी, हाँ, पर फिर भी हम उसको एक क्या बोलते हैं उसको, माहौल अच्छा मेंटेन करने के लिए और ये थोड़ा मजा आ जाए, इसलिए मैंने चलिए भाभी देवर की होली तो मशहूर है, भाभी देवर की होली में, और भंग का रंग जमा हो चकाचक तो फिर तो बात ही बन जाती है अलग बिल्कुल। और होली हर किसी के साथ होती है, दुश्मनों के साथ होती है, दोस्तों के साथ होती है। जाकर यूं सबसे मिलो जैसे मिलते रंग, केवल केवल प्रियजन ही नहीं दुश्मनों के भी संग। हर किसी से मिल लीजिए यार, ये मौका है दुश्मनी हटाने का। एक दिन के लिए तो दोस्त बन जाइए आप, और शायद एक दिन के लिए आप बन जाएंगे, तो मैं तो चाहूंगा होली सारा साल हो, रोज हो। होली की जो फीलिंग्स है ना हमारी, जो होली की धड़कन है, जो होली हमारी संवेदना और भावनाएं हैं, मैं तो चाहूंगा कि वो रोज हो, कि होली के दिन दोस्त दोस्त बन गए, दोस्त तो दोस्त ही रहे, दुश्मन भी दोस्त बन गए। तो मैं चाहूंगा कि ये माहौल सारा साल हो, दुश्मनी को भूल कर हम ये मान लें कि रोज ही होली है, 365 दिन होली है, और हम अपने दुश्मनों को गले लगा लें, दोस्त बना लें, दुश्मनी मिटा दें, दूरियां मिटा दें, और प्यार का संदेश एक दूसरे को देते चले। वही यही होली का यही जो होता है उद्देश्य होता है कि भाईचारा आपस में बढ़े और जितने भी आपसी बैर है वो टूट जाए और हम अच्छे से मिलजुल कर रहे, और यही होली का आई गेस एक उद्देश्य है। इसी को लेके फिर मैं आपके सामने दो लाइनें पेश करना चाहूंगा। जरूर जरूर। क्योंकि जैसा होली मनाते हैं और फिर दोस्त लोग आ जाते हैं तो वो माहौल कैसे बन जाता है, देखिए। होली है भाई होली है, होली है भाई होली है, मस्त मदमस्त मौसम बन जाता है, होली है भाई होली है, रंगों में डुबाने प्यार बांटने आई है दोस्तों की टोली है, आई है दोस्तों की टोली है। जब आ जाते हैं दोस्त और फिर घर में घर के लोगों को बाहर निकालते हैं और बोलते चलो आओ आज होली है भाई होली है, खेलेंगे होली, तो दोस्तों का भी बड़ा महत्व होता है इसमें, आ जाते हैं। हम भी जाया करते थे जब पढ़ते थे तब, तो इस तरह से घर वाले दोस्त सभी इसमें मिलकर हम लोग होली मनाते हैं। और मेरे ख्याल से होली एक हमारे देश का ऐसा त्यौहार है, ये एक एक ही अकेला अनूठा त्यौहार है जो धार्मिक भावनाओं से तो जुड़ा है, धार्मिक कहानियां हैं होली के साथ जुड़ी हुई, हिरण्यकश्यप की कहानियां हम सब जानते हैं,
लेकिन उससे अधिक यह त्यौहार ऐसा है जो जो कि एकता फैलाने वाला त्यौहार है, जिसमें बहुत सारे अंकुश नहीं लगे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। होली के दिन आप हर चीज़ खाने खाना चाहें खा सकते हैं, जो पीना चाहें पी सकते हैं, जो पहनना चाहें पहन सकते हैं, जिस रंग में रंगना चाहें रंग सकते हैं। और होली तो होली एक ऐसा त्यौहार है जो कल्चरल फेस्टिवल, मोर ऑफ अ कल्चरल फेस्टिवल। तिजेंद्र सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए हम कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है, मतलब इस दिन सब जायज़ है, सब जायज़। होली के दिन सब कुछ, कोई कोई बुरा है नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, होली के दिन सब कुछ अलाउड है। और मैं एक बात ये कहता हूँ हमेशा दिशा, कि जब हम वेस्ट के फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हम बहुत बार कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि वो स्पेन में जो टोमेटो फेस्टिवल होता है जिसमें टमाटर फेंके जाते हैं, हिंदी के किसी गाने में भी वो फेस्टिवल के बारे में जिक्र किया गया था, मार्दिग्रा होता है न्यू ऑर्लींस में, उसके अलावा कार्निवल्स होते हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों में, जहाँ पर लोग पागलपन की हद तक गुजर जाते हैं और वो एक दिन पूरा प्रदर्शन जो कर सकते हैं करते हैं। उनसे कहीं ज़्यादा अनूठा और कहीं ज़्यादा ऊपर के लेवल का जो फेस्टिवल है वो होली है। हाँ। होली वो तो एक स्ट्रीट के ऊपर या एक शहर या एक मोहल्ले में होता है। होली तो हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता, हर गली हर मोहल्ले हर घर में पागल की तरह, तो इतना बड़ा पागलपन दुनिया में आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। आप एक स्ट्रीट का पागलपन सोचेंगे या एक शहर का पागलपन, ये तो पूरा देश जो कि एक बहुत बड़े यू नो एक तरीके के एक महाद्वीप के समान है, एक बहुत बड़ा दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे पास में है, ये पूरी दुनिया पागल हो जाती है, यू नो द हाइट ऑफ क्रेजीनेस जिसे कहते हैं वहां तक हम पहुंच जाते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ होली। होली का फंक्शन, होली का सबसे बड़ी खासियत यही है कि हर किसी को दीवाना बना देती है। तो इस माहौल को और थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं और थोड़ा सा उसको नॉटीनेस देते हैं, जरूर जरूर, क्योंकि ये मौसम ही होली का जब आता है तो, और कई जगह पे देखा जाता है, देखो कि सब घर वाले या दोस्त मिलके पूरा सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं। हाँ। और फिर वो होली का रंग जब उस पर चढ़ता है तो कैसे मज़ा आता है, तो उसको लेके मैंने थोड़ा सा लिखा था। सफ़ेद कुर्ती को सफ़ेद कुर्ती जो भी पहने, सफ़ेद कुर्ती जो भी पहने और रंगों में डूब जाए, उसकी कुर्ती हो जाएगी लाल पीली, उसकी कुर्ती हो जाएगी लाल पीली, और ज़िंदगी को प्यार के रंगों में रंग दो और बच ना पाएगी किसी की चोली। ओहो, बच ना पाएगी, सच में बचती नहीं इसमें, मतलब अगर कोई ऐसा बोले कि मुझे रंगों से एलर्जी रंगों है, से नहीं रंगना है, मुझे नहीं रंगना है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बच ही नहीं पाता है, मतलब वो होना ही होना है। पर यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको या तो हनुमान बनना होगा जिसके ऊपर रंग लगाना, लाल रंग तो लगाया नहीं जा सकता, या फिर आपको काली माता बनना होगा जिनके ऊपर कोई रंग ठहरेगा नहीं, उसके अलावा आप बच नहीं पाएंगे। यदि आप राधा हैं तब तो आपको कृष्ण को देख के ही आपका चेहरा लाल हो जाएगा, हाँ, तो आप तो रंगे गए। इसलिए होली का त्यौहार ऐसा है, रंगों का त्यौहार ही है, कि बेरंग पर भी रंग लगा देता है ये त्यौहार, इतना अच्छा त्यौहार है। तो एक थोड़ी सी दिशा में इस प्रोग्राम की दिशा को थोड़ा सा बदलना चाहूँगा और एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि कोविड के वक्त में हम लोगों ने, बहुत लोगों ने अपनी रोजी रोटी खोई है, बहुत लोगों ने अपने काम व्यवसाय खो दिए हैं, लोगों के लिए समस्या हो गई है कि खाना उनके टेबल पर कैसे पहुँचेगा। तो मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब के कुछ ऐसा करो, होली पर भगवान हर भूखे की थाल में भर दो सब पकवान। यही एक विनंती भगवान से होगी कि इस होली के इस मौके पर कोई गरीब भूखा ना रहे, जो लोगों की रोज़ी छिन गई है उनकी रोज़ी वापस मिल जाए, और ये बुरा वक्त जो है हमारी ज़िंदगी का, इसे हम कंट्रोल ऑल्टर डिलीट का बटन दबा कर डिलीट कर दें, इससे बाहर निकल जाएं और फिर से खुशहाली का माहौल होली के इस त्यौहार के माध्यम से जो संकेत देता है खुशहाली का, वो हमारे सबके जीवन में फिर से वापस आ जाए, ये बहुत बड़ी आशा मैं आज रखता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से। मैं बस थोड़ा सा बीच में एक अलग पॉइंट लाना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि होली से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं, मतलब ऐसा कोई मीठा पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, जो बचपन की यादें हर किसी की जुड़ी होती है होली के साथ में, हम बचपन में पूरा साल उन लोगों को आइडेंटिफाई करते रहते थे कि जो लोग होली से डरते हैं
और जिनके ऊपर रंग डालना हमें ज़रूरी होगा। तो हम सारी साल तैयारियां होती थी, स्ट्रेटेजी होती थी, बच्चों की टोली जमा होती थी ये सोच के कि इस आदमी को कैसे पकड़ा जाएगा, और हम उनके घर पहुँच कर या बाहर निकल कर या उन्हें कोई लालच देकर बाहर निकलवा कर ये मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। और उसमें से वो कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो होली के दुश्मन थे, जिन्हें मतलब जिनके कपड़े पर रंग अगर डल गया तो समझ लीजिए आपकी शामत आ गई और साल भर आप उनसे बच ही नहीं पाओगे। लेकिन जब होली का माहौल बनता है तो आप उससे रुक ही नहीं पाते। तो ये एक याद हमेशा से जुड़ी है और मुझे उन लोगों के नाम और शक्ल आज भी ताज़ा है मेरे दिमाग में कि एक सज्जन हमारे गली से निकल रहे हैं और जिन्हें होली से सख्त नफरत है, जो साफ सुथरे कपड़े पहन के निकलते हैं और हम छुप के बैठे हैं टोली, और जैसे ही वो आते हैं तो एक जैसे वो वानर सेना की तरह हम धावा बोल देते हैं उनके ऊपर में और उन्हें रंग देते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में हमारे साथ जो बातें की और जो नई नई गालियाँ हमें सुनाई, वो कभी हम जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। तो ये होली का रंग, होली का हुड़दंग, होली की शरारत होती थी। लेकिन वो गालियाँ देने के बाद उन्होंने देखा कि बच्चों की टोली यहाँ से गई नहीं, तो आखिर में वो मुस्कुरा दिए। उनका मुस्कुराना हमारे लिए एक जैसे लाखों रुपए की चीज़, लाखाची गोश्त जैसा बोलते हैं मराठी में ना, वैसे हमारे लिए हो गई वो तो लाखों रुपए की बात हो। एक छोटा सा मुस्कुराना उनका, क्योंकि जो इतनी पीड़ा रखते हैं और इतनी नफरत रखते हैं वो भी जब खुश हो गए तो हमें लगा कि होली वसूल हो गई। और एक छोटी सी बात और मैं याद करता हूँ बचपन के अपने दिनों की, कि हमारे परिवार में एक सज्जन काफ़ी स्ट्रिक्ट थे जिनके सामने होली नहीं खेली जाती थी। तो होता ये था कि हमारे ऊपर यदि कोई रंग डाले तो हम उन सज्जन को सामने ला के खड़े कर देते थे। तो हमारे पड़ोस वाले बोलते थे नहीं, इनके सामने होली नहीं खेलनी है। तो ये हमारे लिए कवच था, सुरक्षा कवच था, बचने का उपाय था। तो ये हर व्यक्ति ने मेरे ख्याल से बचपन में इस किस्म की हरकतें की है, और होली जो है उस बचपन को आपको वापस लेकर आती है। हर साल आप उसको, उस वीडियो को रिव्यू करते हैं, उसको रिप्ले करते हैं, और आप बचपन को थोड़ा सा जीने की कोशिश करते हैं दोबारा जब होली आती है। और जितना ज़्यादा उस बचपन को आप दोबारा जी पाएंगे, उतना ज़्यादा आप ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी परिपूर्ण रहेगी, रंग भरी रहेगी, होली की तरह हंसती खेलती रहेगी। यही संदेश और यही होली की यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुझे याद है हम नागपुर में जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हॉस्टल में रहते थे, और फिर सब मिलके हॉस्टल के फ्रेंड्स, फिर नागपुर के जो रहने वाले हमारे दोस्त होते थे, तो मेल फीमेल ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, बड़ा अच्छा माहौल होता था। तो हम सब के यहाँ जाया करते थे हर एक के यहाँ से फिर पकड़ के, और फिर जब दोपहर हो जाती थी तो पूरे तो रंग में रंग जाते थे। कहीं जाने के बाद खाने को मिला वो भी खा देते, और फिर जाके कहाँ हम ठंडक महसूस करते थे तो अपने फुटाला लेक तेलंगखेड़ी में, वहाँ जाके वहाँ पे हम लोग जंप मार के पानी में पूरा तालाब तैर के आखिर तक जाते थे। अभी तक गंदा है वो तालाब? अब तो गला गंदा है, मैं एक करीब 30-40 साल पहले की बात कह रहा हूँ। नहीं पर अभी तो उसको साफ सुफ करने का भी काम चलते रहता है ना, पर यानी वो याद मुझे अभी भी पूरी अच्छे से याद है कि वो तेलंगखेड़ी में जाके हम डुबकी लगा देते आधा घंटा, वहाँ पे आने के बाद फिर किसी के यहाँ जाके अच्छा खाना पीना। तो That used to be every year, जितने साल हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारा ये चलते रहता था। ये खूब एक दो छोटी छोटी घटनाएं और बड़ी प्यारी सी घटनाएं जुड़ी है होली के साथ, जो अनुभव हमारे साथ जुड़े हैं। जब मैं कॉलेज में था, जीएस कॉलेज में था, आपने हॉस्टल की बात की तो मुझसे वो बात याद आ गई। जीएस कॉलेज के सामने ही जीएस हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल में उन दिनों कुछ अफ्रीकन स्टूडेंट्स आए हुए थे जो हमारे साथ ही पढ़ रहे थे। तो एक बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स आया करते थे उन दिनों नागपुर में, जी है ना, बहुत आया करते थे। नाइजीरियन स्टूडेंट था हमारे साथ में, इवेंस ओगेटो, जी हाँ, और पैलेस्टीनियंस भी बहुत आते थे और नाइजीरियंस भी बहुत आते थे। तो हम एक स्टूडेंट के रूम में हमारे दोस्तों की टोली ने धावा बोल दिया होली के दिन, सुबह सुबह 6 बजे उठा दिया उसको, और उसे गुलाल, अबीर, रंग और वार्निश, और जो आप बोल रहे हैं कि जो रंग वर्जित होते हैं वो रंग भी लगा दिए पूरे। वो तो पागल हो गया, चिल्लाने लगा कि क्या हो रहा है ये, उसने गालियां देनी शुरू कर दी हमको। उसके बाद हमने उसे कंधे पर बिठाया, बाहर लेकर आया और बाहर सड़क पर दिखाया कि भाई तुम अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया ऐसी है। उसके बाद वो इतनी जोर से हंसा, उसे मालूम नहीं था कि होली क्या होती है, लेकिन जब उसने देखा कि दुनिया पागल हो चुकी है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो उसके बाद वो बहुत जोर जोर से हंसा और उस वो रंग गया, हमारे रंग में रंग गया। और एक छोटी सी बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, होली का जो दुष्परिणाम है वो ये है कि बाद में पिटाई होती थी माँ से, और बाद में जब रंग नहीं निकलता है,
रंग नहीं निकलता तो फिर दिन तक नहीं पिटाई निकलता होती थी, और इस तरीके से क्यों किया? और रंग के बाद जब नहलाया जाता था आपको, और उसके बाद में आप दोबारा साफ कपड़े पहन के बाहर निकलते थे और आपके दोस्त दोबारा आपको रंग देते थे, तब तो बहुत डांट पड़ती थी आपको कि भाई अब बाहर नहीं निकलना है इसके बाद में। तो क्योंकि रोनी हमारे नागपुर में तो पंचमी तक होली चल जाती है, पंचमी के बाद भी होली होती रहती है। तो जब मौका मिला, जब आपको नया दोस्त मिलेगा जब भी आप होली खेल लेंगे उसके साथ में, और उसके बाद वहाँ के घर पे पिटाई भी खाएंगे, वहाँ पिटाई भी खाएंगे। तो और ये बहुत बार होता है कि मतलब स्कूल में जब हम लोग, मतलब जब मेरे साथ होता था कि स्कूल के एक दिन पहले, अब होली वाला दिन तो खैर छुट्टी का दिन होता था तो फ्रेंड्स नहीं मिल पाते थे, अब स्कूल में हम लोग जाते थे उस दिन, उसके एक दिन पहले हम लोग घर से अच्छे से जाते थे, पर आते वक्त पूरे गुलाल से रंगे हुए हैं, और उसके बाद जो पिटाई होती थी, पानी वगैरह सब डाला हुआ, और हमारे जमाने में तो इंक पेन हुआ करता था ना बॉम्बे में, तो हम इंक से रंग देते थे, कुछ नहीं मिला तो इंक से रंग देंगे। तो इसलिए होली के लिए आपको साधन की जरूरत नहीं है, आपको शरारती होना जरूरी है, बाकी सब आप कैंसर कर सकते हैं। इस बात को लेके मैं एक थोड़ा सा, मतलब हम प्रोग्राम के आखिर आखिर में पहुंच ही रहे होंगे, तो एक शेर पेश करता हूं कि, और एक संदेश भी समझ लीजिए, दो लाइनों में थोड़ा कंट्रास्ट है, आप जरा गौर करिए। थोड़ा भीगते थोड़ा भीगते थोड़ा भिगाते, थोड़ा भीगते थोड़ा भिगाते, खाते खिलाते हम भंग मिलाई गोली। और याद रखिए कि कितनी भी आप शरारत करो, पर होली मनाओ कहकर होली भाई भाई होली पर मत दो किसी को गाली। ओहो, बहुत गहरी बात है आपने, बहुत गहरी बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं एक संदेश जाते जाते कहना चाहूंगा, आप लोग बरसाना की होली जानते हैं ना, जो लठमार होती है, लठमार होली होती है, तो होली में जिसको लठ लग जाता है वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है, अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि मुझे लठ मिला है। तो मैं चाहूंगा इस बार हम कोरोना को भाग्यशाली बना दें, सारे लठ कोरोना को मारे जाएं, उसे भाग्यशाली बनाकर उसे बाहर भेज दें अपने देश से, ताकि हम फिर से खुशहाली के माहौल में जी लें। हम इतना सोशल डिस्टेंसिंग में जी रहे हैं कि, और हमारे देश में और हमारे नागपुर में खासकर जो संख्या बढ़ रही है संक्रमित लोगों की, तो शायद हम इतने ज़्यादा मिलनसार हैं कि हमारी संख्या बहुत जल्दी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक अच्छी लठमार वाली होली हम इस बीमारी के साथ खेलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ताकि ये चले जाए और दोबारा हम सोशल डिस्टेंसिंग को भूल कर ह्यूमन लेवल पर एक दूसरे के जितने करीब आ सकते हैं उतने करीब या यूं आ जाएं, कि इन रंगों के साथ वो करोना भी बह जाए, बिल्कुल बह के निकल जाए, बह के निकल जाए और पुराने दिन, बीते हुए दिन वापस आ जाए। तो यही कामना के साथ हम होली की शुभकामनाएं आप सबको देते हैं, और जो पार्टी हमारी हो रही है ये पार्टी चलती रहेगी। धन्यवाद जिंदर सिंह जी, धन्यवाद निरंकुश जी, आपसे बात करके आज की जुगलबंदी बहुत ज्यादा अच्छी थी, और मुझको लगता है कि ये सही मायने में सफल भी रही, दर्शकों को अच्छी ही लगी होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने इतना एंटरटेन हुई हूँ, तो दर्शक जरूर इस हमारी जुगलबंदी से, हमारी पारी से बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे। बस लास्ट में बस चंद लाइनें कहना चाहती हूँ कि मथुरा की खुशबू गोकुल का प्यार, मथुरा की खुशबू गोकुल का प्यार, वृंदावन का ये सुंदर सा त्योहार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। BCN न्यूज की संपूर्ण टीम की ओर से फिर एक बार आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।